आपको पता है निदा यासिर ने मुझे अपने शो पर बुलाया, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ये सुनकर, जब से मुझे पता चला है ना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको बहुत ही जरूरी बात बताने लगी हूँ। ये बात अभी तक जो है ना मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई हुई, तो आप मेरे चेहरे पे खुशी तो देख ही सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी बात होगी जो मुझे इतना खुश कर रही है। तो आप लोगों को भी बता देती हूँ, अभी मुझे जो है ना वो निदा यासिन अपने शो पर इन्वाइट किया, तो ये जब से मुझे पता चला ना मैं इतना खुश हूं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी लाजमी बताऊं। तो अभी जो है ना मैंने अपने घर वालों को भी बताना है, तो उन सबके रिएक्शन जो है ना वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ये भी देखना है कि घर वाले इजाजत देते भी हैं या नहीं, ये ना बाद में तल्ले तुल्ले करने पड़े। तो पहले जो है ना घर वालों को मना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को इनके रिएक्शन भी दिखाएंगे। मुझे काफी लोगों के ना कमेंट्स आए हुए थे मैंने वीडियोस के नीचे पड़े हुए, तो कहते हैं कि आपको जो है ना अभी तक निदा यासी ने अपने शो पे नहीं बुलाया, तो इंतजार की घड़ियां जो है ना वो खत्म हो चुकी है। मुझे जो है ना वो ARY वालों का फोन आया था, तो उन्होंने जो है ना मुझे निदा यासी के शो में इन्वाइट किया है। तो अभी जो है ना वो घर वालों को देखना है कि वो इजाजत देते भी हैं इस चीज की या नहीं। तो अभी जो है ना पापा को भी बताना सबसे पहले। तो अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला, तो मैं जो है ना पहले शॉप पर जाऊंगी, जाकर अपना जो है ना सामान वगैरह तैयार करूंगी, उसके बाद जो है ना फिर इफ्तारी के बाद पापा को बताऊंगी ये बात। तो आप लोग जो है ना तब तक साथ ही रहें, मैं ना काम शाम कर लूँ, तो बाद में जो है ना आपको दिखाऊंगी कि पापा जो है ना वो मानते भी हैं या नहीं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अभी मैं आ चुकी हूँ घर शॉप से, सारा काम वगैरह जो ना वो खत्म करके सामान वगैरह तैयार करके। तो अफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो आज अफ्तारी में जो है वो आपको दिखाते हैं क्या है हमारे पास। तो अफ्तारी में है जी पकोड़े और चने चाट। तो बस जी अफ्तारी करते हैं, तो उसके बाद जो ना आपको बहुत ही जरूरी बात एक बतानी है, तो आपने वो लोग को जो है ना वो एंड तक लाजमी देखना है। अभी मैं आ गई थी शॉप पर, क्योंकि पापा ना सोए हुए थे, तो फिर मैंने जो है ना मैंने सोचा कि मैं काम वगैरह कर लूँ, तो पापा तब तक उठ जाएंगे, तो मैं शॉप पर आ गई, क्योंकि शॉप पर जो है ना वो काम भी अच्छा था, फिर मैंने आकर अपना काम कर दिया, और बाद में फिर घर जाके पापा से बात भी की। शॉप पर जो है वो रश भी था, तो मैं अकेली थी शॉप पर, भी मैंने जल्दी जल्दी से अपने ऑर्डर कंप्लीट किए कस्टमर के, तो काम को जल्दी जल्दी से कंप्लीट किया। भाई काम करना तो दिहाड़ी नहीं लेनी है, नहीं चल काम कर चल। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। यार ठीक है? जी ठीक काम साफ में। शुक्र अल्लाह का। काम कैसा जा रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का ठीक। पापा जी मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या करनी है? मुझे ना निदा यासिर का आपने शो देखा ना, मुझे मुझे उनके शो से कॉल आई है कि उन्होंने मुझे अपने शो में बुलाया है कराची। ठीक है तो मैं जाऊँ शो में फिर? अभी नहीं,
जब मेरा ऑपरेट हो जाएगा ना ईद के बाद, तब जाना ठीक है। जी मैं चाहता हूँ कि आप ना ईद के बाद जाएं ताकि मेरा ब्रेड भी हो जाए और काम भी चलता रहे, घर का सिलसिला भी चलता रहेगा, सही है ना, ठीक काम शाम चलेगा ना, ठीक उसके बाद आपने जाना, ठीक कभी नहीं जाना, जिसको साथ लेके जाना वो डिसाइड करके मुझे बता देना ठीक है। तो पापा से जो है मैंने बात कर ली है, तो पापा ने इजाजत तो दे दी है, तो वो कह रहे हैं कि ईद के बाद जाना है, क्योंकि ईद के बाद ना पापा का ऑपरेशन है गुर्दे का, तो पापा कह रहे कि ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद जो ना फिर तुम चले जाना, तो शुक्र है कि इजाजत मिल गई है पापा से ना। तो मैं भी यही चाहती थी कि ईद के बाद ही जाऊं, पापा के ऑपरेशन के बाद ही, तो क्योंकि काम जो है ना पीछे से कोई भी नहीं करने वाला, भाई छोटा है, तो इसलिए काम जो है ना वो सारा मैं ही करती हूँ, तो अपना काम फिर बंद करके तो नहीं ना जा सकती, तो पापा का ऑपरेशन भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं जाऊंगी। तो पापा के जो है ना वो गुर्दे में नाली लगी हुई है 5 से 6 महीने से, तो इसलिए जो है ना पापा काम नहीं कर सकते, तो काम जो है ना वो सारा मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए पापा के ऑपरेशन के बाद ही मैं जाऊंगी निदा यासिन के शो में इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों ने मेरे पापा के लिए लाजमी दुआ करनी है, क्योंकि ईद के बाद उनका ऑपरेशन है, तो उनको दुआओं में लाजमी याद रखना आप लोगों ने। पापा आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे देखने वालों को, क्योंकि काफी माँ बाप जो होते हैं ना वो अनमोल तोहफा होते हैं औलाद के लिए, ये खिदमत का मौका जब भी मिले औलाद को उसको सर अंजाम देना चाहिए, क्योंकि वो जन्नत का रास्ता होता है। माँ बाप की खिदमत करें, गुजारिश है मेरी उन दोस्त भाइयों से, मेरे माँ बाप याद है उनकी खिदमत करें, भरपूर खिदमत करें, आपको बचपन में पाला, इसी तरह आप बड़े बढ़ापे में उनका बुढ़ापे में सहारा उनका सहारा बने। सहारा बने और उनकी खिदमत सर अंजाम। काम जो है वो हमारा खत्म हो चुका है, शो भी मैंने जो है ना वो क्लोज करवा दी है, तो अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पापा को जो है ना वो शो का बता दिया कि मुझे जो है ना निदा यासिर के शो में इनवाइट किया, तो पापा ने मुझे उसकी इजाजत तो दे दिया, लेकिन पापा कहते हैं कि अगर तुम वसीम बदामी से भी मिलो ना फिर तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पापा जो है ना वो वसीम बदामी के बहुत बड़े फैन है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वसीम बदामी बन गया ना ये वीडियो पहुंच जाए, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके लाजमी बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। بالله كم تستطيع